गाइस आप सभी का वेलकम है आपके अपने आरसीटी के चैनल मैराचंद। और गाइस मैंने एक वीडियोस बनाया था जहां पे मैंने आपको व्हाट्सएप की जो प्रॉब्लम आ रही थी टू स्टेप वेरिफिकेशन, तो जिसे लोगों ने देखा और टू स्टेप वेरिफिकेशन जो भी प्रॉब्लम उनको आ रहा था उसको उन्होंने सॉल्व भी किया उस वीडियोस को देखने के बाद। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम आ चुकी है और बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे इंस्टा पे तो लाइन लग चुकी है कि वहां पे अब नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। मतलब अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन उनका 7 दिन बाद सॉल्व हो जाता है जो आप मैंने उस वीडियो में बताया था, उसके बाद अगर व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं या व्हाट्सएप को रीसेट करने के बाद सिंपल सा वहाँ पे वो वेट करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन का व्हाट्सएप पे नहीं आ पाता है। और कुछ इस तरह से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया था तो मैंने आपका वीडियो देखा, 7 दिन बाद फिर रीसेट करने का ट्राई किया बट वहाँ अनेबल टू कनेक्ट टू इंटरनेट बोल रहा। ऐसी मुझे बहुत सारी मैसेज आई है, वही मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत लोगों के मुझे कमेंट आए हैं। यहाँ पे देख सकते हो जितेंद्र जी यहाँ कहते हैं कि इंटरनेट प्रॉब्लम बता रहा है जबकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन सही चल रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम बार बार मुझे देखने को मिल रही है, इंटरनेट प्रॉब्लम बता रहा है, देख सकते हो जितेंद्र जी बोलते हैं। वहाँ पे सतीश ज़्यादा बोलते हैं कि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है सर ऐसा बता रहा है, जैसा कि उन्होंने स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। टू स्टेप वेरिफिकेशन पिन भूल गया हूँ सर, उसके बाद जो इंटरनेट कनेक्शन शो करा। तो बाकी जितने भी कमेंट्स की बात करो तो सब में एक ही चीज़ है कि यहाँ पे उनका टू स्टेप वेरिफिकेशन जो था वो सॉल्व हो चुका है बट यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम उनको व्हाट्सएप में दिखा रहा है कुछ इस प्रकार। अब हम बात करें दोस्तों, अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तो आपको कौन से स्टेप को फॉलो करना है जिससे आपका जो इंटरनेट प्रॉब्लम जो आ रहा है आपके व्हाट्सएप में और जिसकी वजह से आप व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पा रहे, उसको कैसे सॉल्व करना है आज मैं आप लोग इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे 2-3-4 स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा, बस उसको आपको फॉलो करना है जिसके बाद अगर आपका जो कनेक्शन जो आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन का इश्यूज व्हाट्सएप में, इसको फाइनली आप सॉल्व कर सकते हो और इसको फिक्स कर सकते हो। आखिर वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या प्रोसेस है आगे इस वीडियो से हम देखेंगे। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो क्योंकि यहाँ पे 3-4 स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे कोई ना कोई स्टेप आपका जो मिसिंग होगा उसको आप फुलफिल कर लेते हो तो आपका जो व्हाट्सएप पे जो प्रॉब्लम ये आ रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियोस में आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं चाहूंगा अभी तक आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया फटाफट वीडियोस को लाइक कर देना, और वीडियोस को लाइक करने के साथ यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को फाइनली फिक्स किया जाए। इसके लिए मैं आप लोग के चक्कर चलूंगा अपने स्मार्टफोन में, वही ये बातें सारी करेंगे कैसे क्या क्या करना है। गाइस सबसे पहले मैं हम ये जान ले लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो जैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपको जो भी नंबर डालते हैं उसके बाद नंबर डालने के बाद यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो उनको कुछ इस प्रकार का आता है, अनेबल टू कनेक्ट प्लीज चेक डेट योर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड ट्राई अगेन प्लीज रिबूट योर फोन इफ कनेक्शन प्रॉब्लम। देख सकते हो कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम आप लोग को भी आ रही होगी। अब इसी को कैसे सॉल्व करना मैं आप लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं मैं यहाँ पे 3-4 स्टेप आप लोग को बताने वाला हूँ जिस स्टेप को आपको फॉलो करना है। हालांकि मैंने इसकी एक पुर्जी भी बना के रखी है कि कौन कौन से स्टेप आप लोग को बताए जिससे आपका ये प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो जाए। अब देखिए सबसे पहले स्टेप मैं आप लोग को लेके चलूंगा जहाँ पे मैंने पहला स्टेप आप लोग के लिए जो रखा है। तो सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में आ जाओ और स्मार्टफोन में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेटिंग में आ जाना है। तो सेटिंग में जैसे ही आओगे आपको यहाँ पर आपके सिम कार्ड का एक ऑप्शन शो करेगा, सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, हो सकता है आपके केस में कोई दूसरा हो। तो फाइनली आपको वहाँ पे क्लिक करना सिम कार्ड पे, जो भी सिम कार्ड लिखा हुआ उस ऑप्शन पे, और जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आप जिस सिम कार्ड से नेट को यूज़ करते हो, फाइनली यहाँ पे 2 सिम कार्ड अगर आपके पास है तो आपको वहाँ पे उस सिम कार्ड को सिलेक्ट करना है जिससे आपका नेटवर्क इंटरनेट चलता है। तो फाइनली मैं यहाँ पे एक ही सिम कार्ड इसमें लगाया हूँ जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। तो सिंपल सा इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही फर्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाओगे कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्या क्या है। जैसा मेरे फ़ोन में आपको दिख रहा है यहाँ पे सिंपल सा आपको भी यही सेटिंग कंप्लीट करके रखना है। तो देख सकते हो सबसे पहले तो इनेबल है मेरा फर्स्ट जो सिम कार्ड है, सेकंड आपको सिम कार्ड नेम चलिए वो छोड़ दो, सिम कार्ड नेटवर्क छोड़ दो। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे डेटा रोमिंग, जो डाटा रोमिंग है जो इसको फाइनली यहाँ पे आपको इनेबल कर देना, ऐसे क्लिक करोगे उसके बाद टर्न ऑन आपको कर देना, हो सकते आपको यहाँ पे टर्न ऑफ
हो तो उसको फाइनली यहाँ पे इस तरह से ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पे वोल्टी कॉल, अगर आप 4G यूज़ करते हो, आपका 4G सिम है जियो जो भी हो एयरटेल, तो आपको यहाँ पे 4G वोल्टी कॉल को भी यहाँ पे इनेबल कर ही दो तो बेहतर है। चलिए इसको मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ, देख सकते हो। उसके बाद आपको परफेक्ट नेटवर्क टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करोगे परफेक्ट नेटवर्क टाइप में, आपका अगर सिम में यहाँ पे 2G या 3G सेलेक्ट है तो फाइनली इसको 4G ऑटो वाला पे आके क्लिक कर दो। देख सकते हो यहाँ पे आप 4G, 3G और 2G, मतलब दो तीनों में से कोई भी नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा आपके लिए जो सिम कार्ड है या आपके फ़ोन को, तो वो उसे कैच कर लेगा, इसलिए आपको यहाँ पे ऑटो कर देना है 4G, 3G, 2G पे। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके वजह से बहुत लोगों के जो मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन का इधर आता रहता है। तो सिंपल सा एक्सेस पॉइंट नेम पे आपको क्लिक करना है, और जैसे इस पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी मेरा पहले से सही है, मेरा BSNL का सिम है और BSNL नेट यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेलेक्ट है। लेकिन कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो सिंपल सा देख सकते हो साइड में आपको टू डॉट मुझे नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना। आपके केस में नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, तो जहाँ भी डॉट हो वहाँ पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद रीसेट एक्सेस पॉइंट, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा रीसेट एक्सेस पॉइंट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और जो आपका नेटवर्क इश्यूज था जो एक्सेस पॉइंट के द्वारा आ रहा होगा वो यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको रीसेट कर लेना। उसके बाद बैक आ जाना, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे कैरियर्स, तो ये कैरियर में आ जाना और यहाँ पे देखना है कि आपका ऑटो सेलेक्ट है या नहीं। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ऑटो मेरा ऑलरेडी पहले सेलेक्ट है, तो कुछ नहीं करना, बैक आ जाना। तो ये फर्स्ट सेटिंग आपको कंप्लीट यहाँ पे कर लेना, ये तो रहेगा फर्स्ट स्टेप। और जैसा कि दोस्तों आपने देखा मैंने फर्स्ट स्टेप आप लोगों को बताया, तो फर्स्ट स्टेप ही अगर आप फॉलो करते हो सही से तो इसके बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती हो तो आपको सेकंड स्टेप की ओर बढ़ना है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे वीडियोस को पॉज मत करना, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आगे जो स्टेप मैं बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस सारे स्टेप को फॉलो कर लो, आप चेक कर लो, उसके बाद ही आप व्हाट्सएप को ओपन करो, जिसके बाद कोई आपको इंटरनेट इश्यूज का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो चलिए हम बात करें आप सेकंड स्टेप क्या है उसे हम फॉलो कर लें। सेकंड स्टेप मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सेकंड स्टेप फॉलो करो तो इससे पहले एक बार देख लो जो यहाँ पे बोला गया था रिबूट योर फोन, मतलब आपको फोन को रिबूट करने के लिए बोला था। अब रिबूट का मतलब क्या होता है, मतलब रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट आपको फोन को करने आता है, ओके। तो फोन को रीस्टार्ट कैसे करना, सिंपल सा आपको फोन में इस तरह से क्लिक करना, 5-10 सेकंड तक पावर बटन को क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपके सामने रीस्टार्ट या रिबूट दोनों में से कोई एक बटन नजर आएगा, तो आपको रीस्टार्ट या रिबूट का जो बटन नजर आएगा सिंपल सा उस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो आपका फोन खुद ब खुद बंद हो जाएगा, उसके बाद वो ओपन होगा। तो गाइस सेकंड स्टेप में आपको रिबूट आपके फोन को करना है। अब रिबूट फोन करने के बाद जैसे ही ओपन आएगा तो आप थर्ड स्टेप यहाँ पे आपको फॉलो करना होगा। अब थर्ड स्टेप क्या है वो भी हम देख लेते हैं। थर्ड स्टेप में मैं आप लोगों को बात करूँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको सेटिंग में फिर से जाना है। चलिए मैं सेटिंग में आ जाता हूँ। तो मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में एप्लीकेशन या ऐप मैनेजमेंट नाम का एक सेक्शन होगा। तो सेटिंग में जैसे ही स्क्रॉल करोगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मैं बात करूँ तो मुझे ऐप मैनेजमेंट मुझे देखने को मिला, तो सिंपल तो आपके केस में एप्लीकेशन या ऐप मैनेजमेंट या ऐप कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हो ऐप मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो सिंपल सा ऐप मैनेजमेंट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे काफ़ी सारे ऐप आ जाएंगे। आपके केस में मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है ऐप लिस्ट, तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का जो लिस्ट है उस पर क्लिक करूँगा। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा बहुत सारी एप्लीकेशन जो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके पहले से रखा हुआ हूँ, जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे मुझे WhatsApp को खोजना है, तो चलिए सर्च में मैं क्लिक करता हूँ, WhatsApp लिखता हूँ। देखिए WhatsApp मेरा आ चुका है, हालांकि तीनों मेरा WhatsApp है, WhatsApp क्लोन भी है, WhatsApp बिजनेस में यूज करता हूँ। तो सिंपल से यहाँ पे मुझे WhatsApp को सेलेक्ट करना है जिससे मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे ही ये ओपन होगा तो आपके फ़ोन में देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ जाएगी WhatsApp के लेकर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या करना है, आपको फोर्स स्टॉप का जो बटन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना है। सेकंड में आपको स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे स्टोरेज यूज इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटा और कैच ये सारी चीज़ों को क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए पहले डेटा क्लियर पर क्लिक करके ओके कर लो, हो जाएगा। उसके बाद खुद ब खुद कैच क्लियर भी हो जाता है, ओके। और नहीं तो एक एक करके आप ये चीज़ें कर सकते हो अगर नहीं होता है तो। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद यहाँ पे पावर सेवर का जो ऑप्शन है, पावर सेवर का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे रन इन बैकग्राउंड भी कर सकते हो या स्मार्ट बैकग्राउंड रन, दोनों में से कुछ भी आप करके रख लो,
सही रहेगा। अगर यहाँ पे आपको बीच वाला जो डोंट रन इन बैकग्राउंड है तो इसको हटा दो और दोनों में से ऊपर या नीचे वाले दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करो, रन इन बैकग्राउंड, मैं कहूँगा इसी को सेलेक्ट करो, प्रॉब्लम आ रही है तो उसका बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको परमिशन में आना है। सबसे इम्पॉर्टेंट परमिशन को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना, यहाँ पे कोई परमिशन मुझे दिया हुआ नहीं है तो इस सारी को मैं परमिशन यहाँ पे दूंगा। कैसे देना परमिशन, तो आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है कॉल लोगो तो इस पर क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ करना है, उसके बाद फिर से बैक आ जाना है। देख सकते हो अलाउ ऊपर आ गया, ये उसके कैमरा पे क्लिक करना है, उसके बाद अलाउ करना है, उसके बाद बैक करना है। देखो ये भी ऊपर आ गया अलाउड में, उसके बाद कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है, अलाउ करना है, बैक करना है, ये भी ऊपर आ गया, इसी लोकेशन अलाउ करना है, बैक आ जाना है। इस तरह से सारी चीज़ों को आपको अलाउ कर लेना है क्या करके। आपके केस में एक बार में भी अलाउ हो सकता है, आपके नया फ़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है चेंज, तो वहाँ पे आपको इस तरह से मिल सकता है कि एक बार में आप पूरा अलाउ कर दो। मैं यहाँ पे एक एक करके अलाउ कर रहा हूँ, SMS के यहाँ पे अलाउ करना है, तो इस तरह से एक एक करके इस सारी चीज़ को यहाँ पे अलाउ करना है, मतलब सभी सारी को परमिशन आपको दे देना है। देख सकते हो यहाँ पे सारी, अब यहाँ पे डिनाइड में कुछ नहीं है, पूरा को मैं यहाँ पे अलाउ कर सकूँ, सारी को मैंने परमिशन दे दिया व्हाट्सएप को कि इस सारी चीज़ों को एक्सेस तुम कर लो। तो इतना करने के बाद आपको पूरा बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको आपके व्हाट्सएप को एक बार ट्राई करना है। उसके बाद देख सकते हो ऊपर से मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को जो नेट को यहाँ पे ऑन कर दूंगा, पहले बार मैंने नेट को ऑन कर दिया, मेरे पास एक ही सिम लगा हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पे रन एग्री कर देना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर को एंटर करना है, चलिए यहाँ पे मैंने मोबाइल में एंटर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा स्लो है लेकिन ये कनेक्शन हो रहा है, वो प्रॉब्लम मुझे नहीं आ रही है जो प्रॉब्लम बार बार आपको देखने को मिल रहा था इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम का, ओके। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और जो भी व्हाट्सएप में आपको इंटरनेट कनेक्शन का एरर आ रहा है उसको इस तरह से आप करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता तो मैं आप लोग को दो स्टेप और बताने वाला हूँ यहाँ पे, उसमें आपको मैं फोर्थ स्टेप की जहाँ तक बात करूँ, क्योंकि मैं थर्ड स्टेप मैंने पहले ही फॉलो कर दिया। आगे वाला जो स्टेप है आपको करना क्या है, आपको जो भी सिम कार्ड अपने फ़ोन में यूज करो उसमें आप देख लो इंटरनेट सही से 4G या 3G उसमें अवेलेबल है या नहीं डेटा, ये चेक कर लेना है। और सेकंड, उस सिम को आपको सिम स्लॉट 1 में लगाना है, और दूसरा सिम जो आप यूज़ कर रहे हो फ़ोन को उसको कुछ देर तक निकाल के रख लो, और फर्स्ट सिम डालने के बाद जैसे ही आपका व्हाट्सएप बन जाता है तो आप फिर से दूसरा सिम उसको लगा सकते हो, क्योंकि आपका व्हाट्सएप तो यहाँ पे बन जाता है, तो ये काम आप कर सकते हो। आगे बढ़ें तो आपको फिफ्थ में स्टेप जो बात करूँ, फिफ्थ स्टेप में मैं कहूँगा एक अच्छा सा वाईफाई अगर किसी का चल रहा है तो उसको आप यूज करो, और आपका यहाँ पे व्हाट्सएप का जो इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम आता है बनाते समय वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका व्हाट्सएप अकाउंट सही से बन जाएगा। तो आप ये जो पॉइंट मैंने बताया अगर इस पॉइंट को आप फॉलो करते हो तो फाइनली आपका जो व्हाट्सएप में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व हो जाएगा, और फाइनली कोई भी इंटरनेट कनेक्शन का जो एरर आता है वो आपके फ़ोन में नहीं आएगा, और व्हाट्सएप सही तरह से आप यूज कर पाओगे। तो गाइस वीडियोस में जितनी बातें मैंने बताई आई होप आप उसे फॉलो करोगे और आपका जो प्रॉब्लम होगा इसे फॉलो करने के बाद सॉल्व हो जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती हो तो बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज करते रहते हैं, तो आप भी मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो जिससे मैं आपके इंस्टा पे जो मैसेज करोगे उसके द्वारा मुझे डायरेक्ट मुझे पता लग जाता है, तो मैं इंस्टा पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे आपके इंस्टेंटली आपके जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, और अगर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा आप मुझे कमेंट्स करो वीडियो को नीचे, और एक लाइक तो बनता है, वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, और पर इस तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो में हमेशा आप लोग के लिए लेके आता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फ्लक्स दोस्त, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टाटा।